हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेकी सैम चैनल की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एंड्रॉयड ऐप में रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप में। और इसमें मैं उस चीज़ को एग्जांपल के से समझाने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग सोशल स्टडीज में पढ़े हुए हैं कि एनीथिंग विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। तो जब हम एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो सब एंड्रॉयड ऐप के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, वो सारे चीज़ को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं दोस्तों। तो रिसोर्सेज एंड्रॉयड ऐप के लिए वो जावा कोड हो गए, इमेजेस हो गए, टेक्स्ट हो गए, मैनिफेस्ट फाइल हो गए, या जो जो चीज़ एंड्रॉयड एप्लीकेशन के नीड को सेटिस्फाई करेगा वो सब रिसोर्स कहलाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग जानने वाले हैं एक खास तरीके के रिसोर्स के बारे में, जिसको हम लोग एस्टेटिक टाइप ऑफ रिसोर्स कहते हैं, जिसमें आता है इमेजेस, टेक्स्ट, एनिमेशन और म्यूजिक, साउंड्स और कुछ XML फाइल्स जो वैल्यू को कंटेन करते हैं दोस्तों। तो ये सब जो हैं, ये सब एक खास फोल्डर मीन्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो उसके अंदर एक खास मीन्स डायरेक्टरी क्रिएट होता है जिसका नाम होता है RES। और ये यही फोल्डर में सारे रिसोर्सेज कंटेन होते हैं। और इसमें जो है ये डॉट जावा सोर्स कोड फाइल्स नहीं होता है, और मैनिफेस्ट फाइल नहीं होता है, और ग्रेडर डिपेंडेंसी नहीं होता। इन तीनों को छुड़ा करके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों, जो UI डिजाइनिंग मीन्स एंड्रॉयड ऐप के UI डिजाइनिंग में काम करते हैं, मीन्स यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग में, या कुछ वैल्यू को स्टोर करने में मदद करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज इस RES फोल्डर में अलग अलग सब कैटेगरी में डिफाइंड हैं। अब दोस्तों, ये हम लोग जाने कि रिसोर्सेज क्या होता है। अब मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। तो जब हम लोग इस रिसोर्सेज को कुछ कॉमन प्रॉपर्टी के आधार पे अलग अलग सब डायरेक्टरी में सेव करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो जैसे अगर हम लोगों को इमेज को स्टोर करना है तो हम लोग इमेज को इमेज के ही साथ स्टोर करेंगे, ना कि टेक्स्ट के साथ। उसी तरह टेक्स्ट को स्टोर करना है तो टेक्स्ट को टेक्स्ट ही के ही साथ स्टोर करेंगे। मीन्स जब हम लोग अरेंजिंग करते हैं रिसोर्सेज का कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, उसी को हम लोग मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग कुछ जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आगे आने वाली वीडियो में हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल के रिसोर्स एक्सेसिंग के बारे में बताने वाला हूँ, तो इसमें मैं उसी को बेस मान के उसी के हिसाब से एग्जाम्पल आपको दूंगा दोस्तों। तो अगर आप हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल पे नज़र डालिएगा दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज हैं दोस्तों, वह मीन्स लेआउट रिसोर्सेज हैं जो कि UI डिजाइनिंग में काम करता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों वैल्यूज, जो कि वैल्यूज को स्टोर करता है दोस्तों। उसके बाद है मैनिफेस्ट, मीन्स मैनिफेस्ट नहीं दोस्तों, ड्रॉ मीन्स मिप मैप फाइल, जो कि ऐप के आइकन को स्टोर करता है, मीन्स इमेजेस को स्टोर करता है। तो चलिए दोस्तों, अब इन तीनों के बारे में हम लोग एक क्लियर एक्सप्लेनेशन हम लोग जानते हैं कि इन तीनों का यूज क्या है दोस्तों। तो जब हम लोग हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल की और देखेंगे तो हम लोगों में, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तीन जो है तीन रिसोर्सेज मीन्स तीन सब डायरेक्टरी क्रिएट होंगे RES में, और सब डायरेक्टरी मैंने बताया कि किस आधार पे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेआउट के बारे में। तो लेआउट जो है दोस्तों, ये जो ऐप का जो UI होता है मीन्स यूजर इंटरफेस, उसको जो डिजाइन किया जाता है वो और डिजाइन करके जो सेव किया जाता है वो सारे लेआउट में सेव होते हैं दोस्तों। तो एक ऐसा फोल्डर या सब डायरेक्टरी जो कि ऐप के UI के डिजाइन को कंटेन करता है, जैसे वो डायलॉग भी हो सकते हैं या कुछ लेआउट भी हो सकते हैं, मीन्स कुछ स्क्रीन के भी लेआउट हो सकते हैं या कुछ बटन भी हो सकते हैं दोस्तों।
तो ये सब जो कंटेन करता है वो सब आते हैं लेआउट में दोस्तों। अब आता है दोस्तों दूसरे नंबर पे है दोस्तों मिप मैप। तो मिप मैप जो है दोस्तों ये ऐप का आइकन कंटेन करता है। तो अब इस फोल्डर और ड्रॉएबल फोल्डर भी होता है दोस्तों, वो भी इमेज ही कंटेन करता है। अब इस दोनों में मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। तो जो मिप मैप फोल्डर है दोस्तों, वो अगर आप इसमें कोई भी इमेज ऐड कीजिएगा तो वो सारे इमेज को रिसाइज करके ऐप के आइकन के साइज में डाल देगा। मीन्स अगर आप कोई भी इमेज को ऐप के आइकन के साइज में ही रखना चाहते हैं और उसको दिखाना चाहते हैं तो आप उसको मिप मैप में डाल दीजिए, ये ऑटोमेटिकली उसको रिसाइज कर देगा। लेकिन अगर आप उसका ओरिजिनल साइज मेंटेन करवाए रखना चाहते हैं तो आप उसको ड्रॉएबल फोल्डर में स्टोर कीजिए दोस्तों, जिसमें उसका ओरिजिनल साइज मेंटेन रहेगा। और अब जो तीसरा जो हेलो वर्ल्ड में यूज हुआ है वो है वैल्यूज, उसके बारे में हम लोग दोस्तों जानते हैं। तो वैल्यूज में जो हेलो वर्ल्ड में है यूज वो है कलर्स, स्टाइल्स, डायमेंशंस और स्ट्रिंग्स। तो अब इन सभी के बारे में अलग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वैल्यूज क्या होता है। तो वैल्यूज जो है दोस्तों एक सिंपल वैल्यूज जो होते हैं उन सभी XML फाइल को ये अपने अंडर कंटेन करके रखता है। जैसे अगर हम लोग लेआउट की बात करें तो वहाँ पे एक बहुत सारे जो XML एलिमेंट है वो सारे मिलके एक लेआउट बनाते हैं। इसका मतलब वो कम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल है। सिंपल कहने का मतलब कि एक सिंगल लाइन में, मीन्स हम लोगों को सिर्फ एक नेम के साथ कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल लाइन में, और इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल। मीन्स इसीलिए हम इस वैल्यूज को हम लोग कह सकते हैं, ये एक सिंपल वैल्यू जो भी कंटेन करता है उसी को हम लोग वैल्यू फोल्डर कहते हैं। तो अब इसके अंदर जो है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है कलर्स। तो ये कलर्स जो है दोस्तों, जो भी कलर्स आपके ऐप में यूज हुए हैं उनका डिक्लेरेशन मीन्स वो कंटेन करता है। मीन्स कलर कहने का मतलब कि कौन सा ये हेक्स कोड या RGB या नाम, मीन्स ये हेक्स कोड में उस कलर को कंटेन करता है दोस्तों। और उसके बाद हम उस कलर को अपने ऐप में कहीं भी एक्सेस करवा सकते हैं। ये जो कलर जो एक्सेस होगा दोस्तों, ये मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको एग्जांपल से आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो है ये जितने भी टेक्स्ट रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं वो सारे कंटेन करता है। जैसे हेलो वर्ल्ड एग्जांपल में जो हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट है वो इसी में कंटेंट है। उसके बाद स्टाइल्स। तो स्टाइल्स जो है दोस्तों ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है, और ये जो डिफ़ॉल्ट ऐप का स्टाइल है वो इसमें कंटेंट होता है, और इसी यहाँ से हम लोग स्टाइल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं ऐप का दोस्तों। और उसके बाद जो चौथा और आखिरी जो है वो है diamond.xml। ये सारे डायमेंशन जैसे विथ, हाइट, पैडिंग, ये सारे कंटेन करता है, जिसका यूज हम लोग अपने XML फाइल या .java सोर्स कोड फाइल्स में यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग जान लिए कि हम लोग उस रिसोर्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं, अब उसको एक्सेस कैसे करना दोस्तों। एक्सेस के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक टेक्स्ट को एक्सेस करने वाला हूँ। तो एक्सेस करते समय, जैसे अगर कलर को एक्सेस करना है तो आप r.color क्लास से कर सकते हैं। टेक्स्ट को एक्सेस करना है तो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स में स्टोर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया strings.xml में। तो उसको एक्सेस करने के लिए r.string क्लास से करना है, और डायमेंशन को r.diamond क्लास से, स्टाइल्स को r.styles क्लास से आप एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों, और जो लेआउट है उसको r.layout क्लास से। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू में कुछ टेक्स्ट सेटअप करने वाला हूँ प्रोग्रामेटिकली भी और ऐसे XML के थ्रू भी, जिसके कारण आप जान सकते हैं कि दोनों से आप कैसे, मीन्स दोनों में आप कैसे किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब आप प्रोग्रामिंग में एक्सेस कीजिएगा तो आप जो भी आपका करना चाहते हैं एक्सेस, जैसे स्ट्रिंग्स, स्टाइल्स, जो भी करना चाहते हैं वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइज किया है, और उसका टेक्स्ट जो है दोस्तों मैंने txt.setText मेथड, इसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। अभी ये जान लीजिए कि इस मेथड का यूज़ किसी भी टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट सेट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें मैंने डाल दिया है r.string.helloworld। तो मैंने आपको बताया था कि r.string से ये स्ट्रिंग्स रिसोर्सेज को एक्सेस करता है, और जो हेलो वर्ल्ड है दोस्तों उस स्ट्रिंग्स रिसोर्सेज में हेलो वर्ल्ड एक यूनिक नेम है जिसको ये रीड करता है और उस टेक्स्ट को यहाँ पे सेट कर देता है। तो इस तरीके से आप रिसोर्स को एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस करना जान गए प्रोग्रामेटिकली, लेकिन यहाँ पे जो आर का है उसका यूज क्या है। तो आर जो है एक फाइल है दोस्तों, जो कि ऑटो जनरेटेड होता है जब आप ऐप के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, और इसमें यूनिक आईडी होता है। मीन्स जितना भी आप नेम बनाए, जितना भी आप वेरिएबल बनाए, जितना भी आप आईडी बनाए, उनका जो यूनिक नेम होता है, मीन्स उसको एंड्रॉयड के द्वारा एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए उसको एक यूनिक हैक्स कोड में बदला जाता है, और वो जो कंटेन होता है वो आर क्लास में ही होता है, जहाँ से हम लोग इस स्ट्रिंग्स को एक्सेस कर रहे हैं। आर डॉट स्टाइल से स्टाइल को एक्सेस कर रहे हैं उस यूनिक आईडी से दोस्तों। और एक्सएमएल में यूज़ करने के लिए हम लोगों को करना क्या है, एक सिंटैक्स आप याद रखिए कि ऐट, सबसे पहले आप ऐट ऐड कर दीजिए, और उसके बाद आपको लिखना होगा जो भी रिसोर्सेज का आप एक्सेस करवाना चाहते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स, लेआउट या कलर्स, जो भी करवाना चाहते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट और कलर करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने कलर लिखा ऐड के बाद, जहाँ मैं कलर की एक्सेस करवाना चाहता हूँ, और स्ट्रिंग लिखा टेक्स्ट के लिए, जहाँ मैं टेक्स्ट एक्सेस करवाना चाहता हूँ, और उसके बाद एक स्लैश ऐड कर दीजिए, और उसके बाद जो भी यूनिक नेम है या यूनिक आईडी वो लिख दीजिए, और बस आप इस तरीके से उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिसोर्सेज क्या होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो उम्मीद है वीडियो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने, और नहीं पसंद आई है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।